जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे। सलामी दो झंडा को, सही से सलामी। With due respect, give salute to our nation. English में बोल देगा। मजा देर नहीं गाते। पैर की उंगली हिंगाते रहिए, पैर की उंगली हिंगाते रहिए। फिर से 1 2 3 स्टार्ट। लॉस ऑफ वाटर। के लोग का खींचा ही नहीं। जय जय। देश हमारा कह रहे हैं, तेज से बोलिए। आर्मी वाले करेंगे। सर आना सर, बोल दीजिए ना स्पीच के लिए। 5 मिनट भी लगे नहीं लगेगा, मन टूट जाएगा ना। स्पीच बोलो, इसको बोलो। स्टैंडर्ड अटेंशन करवाइए, स्टैंडर्डाइजेशन करवाइए, ठीक है ना। उसके बाद करवाइएगा, सब स्ट्रेट रहेगा लाइन। स्टैंडर्डाइजेशन करवाइए बच्चे, स्पीच बोल दीजिए। हो गया 5 मिनट, 5 मिनट अटेंशन, जल्दी से बोलिए। स्कूल स्टैंडर्ड अटेंशन, स्कूल स्टैंडर्ड अटेंशन। 5 मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट ऑफ द ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस स्पेस ऑन ओकेशन आई गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर शॉर्ट स्पीच। टॉपिक माय स्पीच इज इंडिपेंडेंस डे। ग्रेटिंग ऑन दिस मोमेंट occasion of India's Independence Day, today we get to celebrate the remarkable journey of our nation towards freedom and self-reliance. This year, the 78th India Independence Day 2024 is being celebrated with the theme of Vijit Bharat, which means developed India. This theme reflects the Indian government's vision to transform the country into a developed nation by 2047, which will be the 100th anniversary of India's independence. It is a day that echoes with the sacrifice of countless heroes who fought tirelessly for our liberty. As we host our national flag, today let it be a symbol of our shared aspirations and commitment to a better tomorrow, just like the color of our flag represented. First color, saffron, signifying color and sacrifice. Second color, white, signifies peace and truth. Third color, green, signifies faith and security. Happy Independence Day to one and all. Jai Hind.
नमस्ते आप सभी को। हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्ष का उत्साहपूर्वक मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सभी को शुभकामनाएं और इस विशेष दिन के लिए मुझे देशभक्ति और सार्थक भाषण देने के लिए सभी को संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए सभी को विशेष धन्यवाद। आज हम स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर एक साथ जुटे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया ताकि हम आजाद रह सके। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता की कीमत समझनी चाहिए। हमें अपने देश के महान नेताओं और शहीदों की कुर्बानियों का सम्मान देना चाहिए। इस दिन हम तिरंगा झंडे फहराते हैं और देशभक्ति गीत गाते हैं। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति और विविधता को समझना और सहारना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए दुआ करते हैं। चलिए आज हम सब अपने देश को और आगे बढ़ाने का वादा करें।